नागपुर में विजयादशमी के अवसर पर आज 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दक्षिण भारत राज्य के बौद्ध धर्मावलंबियों का दल नागपुर दीक्षा भूमि में शामिल हुए। वर्ष 1956 में विजयादशमी के दिन भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तब से ये दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई के नेतृत्व में बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जापान से आए 40 प्रतिनिधियों की विशेष उपस्थिति रही। लगभग 65,000 अनुयायियों को भदंत नागार्जुन सुरेई ससाई के मार्गदर्शन में दीक्षा देकर प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर भदंत धम्म सारथी, नागवंश, प्रज्ञाबोधि, भीमाबोधि, नागसेना, महानामा, राहुल, धम्म विजय, कश्यप, भदंत धम्म प्रकाश, संघप्रिया, विशाखा गौतमी, पुंडलीक आदि उपस्थित थे।